completely. Look at all this damage. नमस्ते, कैसे हो सब? सब के निच का बैनर जाने में अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए, एंड जिलोनिन मोबी का भी आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं इस पर पुल करें ना करें। तो इसके किट को डिस्कस करते हैं, इसके टैलेंट्स, इसके आर्टिफैक्ट्स, इसके वेपन्स ऑप्शंस कितने हैं, आगे पोटेंशियल कितना है इस डीपीएस का, एंड डेफिनेटली ये पुल करने लायक है या नहीं। सो लेट्स गो। किनिच के टैलेंट्स की बात करते हैं, तो हम नॉर्मल डैमेज को लेवल अप करना स्किप करेंगे, क्योंकि किनिच का जो मेन सोर्स ऑफ डैमेज है वो उसका स्किल डैमेज है, एंड स्किल डैमेज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम अपोनेंट पे ये स्किल यूज़ नहीं करते और नॉर्मली ऐसे स्किल यूज़ करते हो, तो ये स्विंग कर सकता है स्पाइडरमैन की तरह, और इसका कूलडाउन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली जब तुम नेटलाइन में हो। बाकी जगह मे बी तुम्हें कूलडाउन ज़्यादा लगेगा, बट नेटलाइन में इसका कूलडाउन बहुत ही कम हो जाता है। तो ये तुम्हें एक्सप्लोरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर तुम्हें एक्सप्लोरेशन बोरिंग लगती है, तो किनिच को एक्सप्लोरेशन टीम में रख के तुम्हें काफ़ी बोरिंग नहीं लगने वाली है। अब आते हैं इसके मेन डैमेज पे। तो जब किनिच किसी एनिमी पे लैच ऑन करता है इस स्किल को मारने के बाद, तो वो नॉर्मल कैनन शॉट्स अप्लाई करता रहता है और 3 नाइट सोल पॉइंट्स जनरेट करता रहता है ओवर सोर्स ऑफ टाइम। अभी नाइट सोल पॉइंट की जो लिमिट है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर 20 तक जाती है, और जैसे ही ये 20 पहुंचती है ना, तो तुम्हें स्केल स्पाइकर कैनन डैमेज मारने का मौका मिलेगा, जिसका लेवल 10 पे 1200 अटैक डैमेज मल्टीप्लायर है। तो जैसे ही तुम मारते हो ये डैमेज, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई मल्टीप्लायर में डैमेज करता है। तो ये इसका मेन डैमेज डीलिंग सोर्स है, और इसको तुम स्किल में यूजुअली अगर ढंग से रोटेशन करो, तो 3 से 3 तो पॉसिबल ही है, मे बी 4 बार भी कर सकते हो, एंड अगर तुम बर्स्ट को भी इंक्लूड करो, तो कहीं बार 5 बार ये स्पाइकर मारना एक रोटेशन में कहीं बार पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल कैसे है कि तुम ऑलरेडी 3 पॉइंट्स जनरेट कर रहे हो अपने नॉर्मल लूप शॉट से, ठीक है? अब जैसे ही तुम पहला शॉट मारते हो ना, तो एक ब्लाइंड स्पॉट अपीयर होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट एक कोन या ट्रायंगल जैसा लगता है, एंड अगर तुम उस ब्लाइंड स्पॉट में स्विंग करते हुए पहुंच जाते हो टाइम पे, तो तुम्हें 4 नाइट सोल पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, विच मीन्स तुम जो अगर सारे ब्लाइंड स्पॉट्स पूरी रोटेशन में कवर करो, जिनको थोड़ा सा मास्टर करना मुश्किल है, बट इसको अगर मास्टर कर लिया तुमने, तो तुम काफ़ी बार अपना स्किल यूज़ कर पाओगे, विच मीन्स तुम्हारा डैमेज ओवरऑल रोटेशन में बढ़ेगा, ठीक है? तो ये था इसका एलिमेंटल स्किल। अब चलते हैं बर्स्ट पे। तो बर्स्ट जो है तुम्हारा डैमेज डीलिंग सोर्स नहीं है, बट बर्स्ट में एक मैकेनिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किनिच इसे नाइट सोल ब्लेसिंग स्टेट में यूज करता है, वो जो कि तुम्हारा तब एक्टिवेट होता है जब किनिच स्किल यूज करता है, ठीक है? तो इसका मतलब है तुम्हें स्किल पहले यूज करना है, एक बार कैनन शॉट मारना है, और उसके बाद ही बर्स्ट मारने की सोचनी है। तो अब बर्स्ट कब मारना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बर्स्ट यूजुअली तुम तब मारोगे जब तुम एक बार स्केल स्पाइकर शॉट मार चुके हो और तुम्हारा जो मीटर है, नाइट सोल मीटर, वो बिल्कुल 0 हो चुका है या काफ़ी लो है। तो जब तुम ये बर्स्ट मारते हो ना, तो इस डाउन टाइम में क्या होता है कि तुम्हारा मीटर रिचार्ज हो जाता है, एंड जैसे ही तुमने बर्स्ट एक्टिवेट किया, वो तो नॉर्मल अपना डेंड्रो डैमेज मार ही रहा है, तुम्हारी ड्यूरेशन एक्सटेंड हो रही है स्किल की 1.7 सेकंड से जब तुम स्किल के अंदर ये यूज करते हो, एंड इतने में तुम्हारा एक और स्केल स्पाइकर कैनन चार्ज भी हो जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि तुम्हारे और रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट कवर कर रहे हो, एंड बर्निंग वर्जन डैमेज पे भी ये पॉइंट जनरेट होते हैं, जिसको हम आगे स्किल में देखेंगे। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्केल स्पाइकर मारने के लिए तैयार रहता है बर्स्ट मारते, तो इसे तुम स्किल के बाद यूज करोगे यूजुअली, ये इसका थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। प्राइस ऑफ डेजोलेशन क्या करता है, तो इसको देखते हैं। जब किनिच नाइट सोल ब्लेसिंग स्टेट में अपोनेंट जब एलिमेंटल स्किल से हिट होते हैं, तो डेजोलेशन स्टेट में चले जाते हैं। उसका क्या मतलब है कि इस स्टेट में बर्निंग और बर्जन डैमेज लेने वाले ऑपोनेंट्स तुम्हें 7 पॉइंट्स जनरेट करके देंगे एवरी 0.8 सेकंड्स, जिसका मतलब है कि तुम्हारा जो स्किल है वो और जल्दी आएगा, स्केल स्पाइकर कैनन शॉट वाला स्किल जो बीच में स्किल के आता है 3-4 बार ऑलमोस्ट। तो इससे क्या होगा कि इसका डैमेज बढ़ता है बेसिकली। अब इसका ये भी मतलब है कि ये बर्निंग बर्जन में खेलने से तुम इसका मैक्सिमम डैमेज आउटपुट निकाल पाओगे, तो इसको याद रखना, बर्निंग और बर्जन। तो ये टीम्स के लिए तुम है डेंड्रो, पायरो, और बर्जन के लिए ऑफकोर्स तुम्हें हाइड्रो चाहिए, एंड बर्निंग में तुम्हें डेंड्रो पायरो ही चाहिए। तो ये इन टीम्स में खेलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ओवरऑल देखा जाए तो। फ्लेम स्पिरिट पैक का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ये जो है ना, जो मैं कह रहा था कि किनिच का जो किट है वो इनकम्प्लीट है, उसका क्या रीज़न है कि
जब नियर बाय पार्टी मेंबर्स अपना नाइट सोल बर्स्ट ट्रिगर करेंगे तो उसे एक स्टैक ऑफ हंटर एक्सपीरियंस मिलेगा जो 15 सेकंड लास्ट करता है, एंड दो स्टैक हो सकते हैं इसके पास। इसका मतलब है कि ये दो स्टैक्स के बाद इसको कैनन शॉट के डैमेज मल्टीप्लायर में 320% का बूस्ट मिलेगा, विच इज़ अ लॉट ऑफ डैमेज भाई। दिस इज नथिंग टू यू नो, इसको हल्के में नहीं ले सकते तुम इस डैमेज को। तो अभी तुम्हारे पास किनिच की टीम में नेटलैंड के कैरेक्टर्स रखने के लिए कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। जब तक मोविका नहीं आ जाती है तब तक के लिए तो अभी ज़्यादा कैरेक्टर्स नेटलैंड के नहीं है, तो ये पैसिव ट्रिगर होता ही नहीं है काफ़ी बार, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। शायद तुम्हें एक ही स्टैक मिलेगा मे बी, वो भी अभी तो ये काफ़ी इनकम्प्लीट सा टैलेंट चल रहा है, जिसको आगे जैसे जैसे और नेटलैंड के कैरेक्टर्स आएंगे स्पेशली मोवी का, तो किनिट का जो ओवरऑल टीम है उसका किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नाइट रेंज गिफ्ट है रिपेड इन फुल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझा रखा है, बस ये है कि जो इसका स्किल है वो एज अ ग्रैपलर भी काम करता है। एंड तुमने देखा है ना नेटलैंड में वो तुम्हारा एक क्रीचर है पोकेमोन जैसा जो इधर जगह दूसरी दूसरी जगह पे लटक के जाता है एंड ग्रैस्प कर लेता है, तो ये किनिच क्या करता है कि ये ऑलरेडी अपने स्किल के थ्रू ये सब कर सकता है, एंड ये नेटलैंड में अपने स्किल को 2 बार यूज़ कर सकता है विद लो कूल डाउन, तो तुम्हारा एक्सप्लोरेशन बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। पहला स्किल तो ये नॉर्मली यूज़ करता है, बट दूसरा स्किल मारने के लिए तुम्हें फायरोजिस्टिन पॉइंट्स चाहिए, जो कि तुम्हारे ऊपर ऑरेंज सा बार आता है ना कैरेक्टर पे, वो होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर तुम नेट लाइन में जाओगे, लेट्स से तुम कहीं पर टेलीपोर्ट करें, बूम यहाँ पे टेलीपोर्ट होके जो तुम्हारे ऑरेंज कलर का या फियरी सा बार आता है ऊपर दिख रहा है, तो ये जब ऐसे यूज़ करता है तो तुम 2 बार यूज़ कर सकते हो और तुम्हारा थोड़ा सा मीटर कंज्यूम हो जाता है, तुम देख रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ी है इसके टैलेंट की यहाँ पे। एंड स्विफ्ट एनवॉय में कुछ नहीं है, जब भी कोई नियर बाय हार्वेस्टेबल आइटम्स को पिक करते हो तुम, तो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाती है 10 सेकेंड के लिए, एंड एडिशनल नियर बाय रिसोर्सेज नेट लेंगे तुम्हें दिखेंगी नियर बाय मिनी मैप पे, तो ये तुम्हारा एक्सप्लोरेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। प्लस डैमेज देने वाली बात है तो डैमेज में भी बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं थोड़े किनिच के बेस्ट इन स्लॉट वेपन्स की, तो यहाँ पे हमारे पास है इसका सिग्नेचर वेपन फैंग ऑफ द माउंटेन किंग। काफ़ी लोग इसको पुल करने के लिए विलिंग तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें 1190 पे सिर्फ 11% क्रिट रेट है, आई मीन आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता भाई क्यों, बट इसका जो बेस अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 741 बहुत ही हाई बेस अटैक है। ये रीज़न क्या है कि किनिच की स्केलिंग जो मल्टीप्लायर स्किल की है वो अटैक पे ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक इसे मिलेगा ये उतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा, ये रीज़न से इसके वेपन पे ये हाई बेस अटैक है। एंड जब भी कोई बर्निंग बर्निंग वर्जन रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं तो इसे 60% तक डैमेज बूस्ट मिलता है विद वेपन अलोन, तो ये जो इसका सिग्नेचर वेपन है डेफिनेटली इसी के लिए बना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ये वेपन आ गया है गलती से, तुम एनगल्फिंग लाइटनिंग पे जा रहे थे, तो तुम्हें किनिच निकाल लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही कम कैरेक्टर्स पे ही यूज़ हो पाएगा, स्पेसिफिकली कोई पायरो या डेंड्रो कैरेक्टर्स, दैट्स इट। तो काफ़ी नीश वेपन है, तो सोच समझ के वेपन बैनर पे जाना, और अगर किनिच निकाल लिया तो तुम इस वेपन पे डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि किनिच पे बहुत ही बढ़िया काम करता है, लिटरली किनिच के लिए टेलर मेड है। उसके बाद हम सर्पेंट स्पाइन की बात कर सकते हैं। सर्पेंट स्पाइन देखा जाए तो बाकी क्लेमोर 5 स्टार्स के साथ, 5 स्टार्स के साथ कंपीट कर सकता है रिफाइनमेंट के साथ साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा बैटल पास ऑप्शन है देखा जाए तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। फ्री टू प्ले ऑप्शन में मैं बोलूँगा कि अर्थ शेकर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली तुम इसे R5 कर पाओगे, ये फ्री टू प्ले फ्रेंडली भी है क्योंकि तुम इसे निकाल भी पाओगे वेपन को, एंड फिर अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो तुम्हारे पास फिर अल्टीमेट ओवरलॉड मेगा मैजिक स्वॉर्ड भी है, अगर तुम इसका पूरा पैसिव यूज़ कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा देखा जाए तो तुम हाँ ईतो का सिग्नेचर वेपन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि क्रिट डैमेज देता है, ऑल दो उसका पैसिव इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो डिफेंस स्किलिंग है, बट काफ़ी हाई स्टैट्स वेपन है 5 स्टार, तो तुम उन्हें हल्के में तो नहीं ले सकते डेफिनेटली। किनिच का वेपन, इवन नाविया का वेपन इस पे काफ़ी सही है, तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इसके लिए। इसमें ध्यान रखना कि किनिच को अटैक स्केलिंग वेपन्स और क्रिट रेट क्रिट डैमेज वाले वेपन्स ही बढ़िया चलेंगे,
तो ट्राई करना तुम वही वेपन यूज करो। अब कोई बोलेगा यार इसमें एनर्जी रिचार्ज है मैं ये क्यों यूज करूँ, तो उसके पैसिव में अटैक बहुत हाई मिलता है 48% तक अगर तुम्हारे पास बिल्कुल मैक्स स्टैट्स हैं इसमें, तो ये भी अच्छा वेपन ऑप्शन है। तो इन वेपन ऑप्शंस को डेफिनेटली ध्यान में रखना इसको पुल करने से पहले। वैसे मैं बोलूँगा कि इसका सिग्नेचर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कंपेयर टू इसके नॉर्मल वेपन्स, पर अगर बात क्या है कि इसके आर्टिफैक्ट जो बेस्ट इन स्लॉट है वो तुम्हें ऑलरेडी 40% क्रिट रेट दे रहा है, तो तुम्हारा क्रिट रेट क्रिट डैमेज बैलेंस करना अलॉन्ग विद अटैक परसेंटेज वेपन काफ़ी आसान हो जाता है इस वजह से। तो तुम डेफिनेटली अटैक परसेंटेज वेपन्स यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें 100K के आसपास डैमेज ज़रूर दे रहे होंगे, एंड तुम अच्छा खासा डैमेज निकाल पाओगे किनिच से। अब बात करें तो फिर सीधा आर्टिफैक्ट्स पे ही चलते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स पे मैं सीधा बोलूँगा भाई इसका ऑप्सीडियन कोडेक्स इसका बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट है, बेस्ट इन स्लॉट है इसके लिए। तुम्हारे पास अगर ये सेट है तो प्लीज़ इसको फार्म करो, ऑलरेडी है बढ़िया है नहीं है आई स्टिल से तुम फार्म करो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा देखा जाए तो तुम मिक्स एंड मैच कर सकते हो, गोल्डन ट्रूप दे के डेंड्रो डेंड्रो गोल्डन ट्रूप अटैक अटैक ऐसी चीज़ें भी दे सकते हो, बट तुम ध्यान रखना कि ये वाला जो सेट है ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। एंड अगर हो सके तुम्हारी टीम में किसी के पास मेक श्योर डीप वुड मेमोरी सेट ज़रूर हो, क्योंकि ये क्या करेगा कि किनिच का पर्सनल डैमेज अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहेगा क्योंकि ये लिटरली डेंड्रो रेजिस्टेंस श्रेड करता है। तो अगर किसी के पास डीप वुड मेमोरीज हो या तुम ऐसे किसी कैरेक्टर को दे सको अपनी टीम में तो बहुत ही अच्छा होगा, किनिच का पर्सनल डैमेज इंक्रीज होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो देखा जाए तो ये डेफिनेटली ऑब्सिडियन कोडेक्स इसका बेस्ट इन स्लॉट रहेगा ही रहेगा। अगर तुम देना चाहो तो अनफिनिश्ड रेवरी दे सकते हो, पर ये अगर तुम्हारे पास फार्म्ड है तो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा नहीं है तो तुम इसे पुल करो, नहीं फिर तुम ऑब्सिडियन कोडेक्स पे जाना, अनफिनिश्ड छोड़ देना। गोल्डन ट्रूप का तुम 2 पीस ले सकते हो और फिर डीप वुड का 2 पीस उठा सकते हो, मे बी अटैक उठा सकते हो, अटैक अटैक दे सकते हो, तो ये थोड़े से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। पर डेफिनेटली जब क्रिट रेट डैमेज बैलेंस करने वाली बात आएगी ना तो थोड़ा सा पेन लेके मैं बोलूँगा ऑब्सिडियन कोडेक्स ही फार्म करना, ऑब्सिडियन कोडेक्स इज टू गुड। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स में तो यही इसके लिए रहेंगे, तो इन्हीं को फार्म करना। एक तुम्हारा हो सकता है कि अगर फुरीना तुम्हारी टीम में है जो कि इवन दो है स्टिल, मैं ये सेट फार्म करने को तुम्हें नहीं ही बोलूँगा क्योंकि इसका नॉर्मल चार्ज अटैक केनेच के स्किल के साथ वर्क नहीं करते क्योंकि केनेच का स्किल डैमेज काउंट होता है वो, तो फिर गोल्डन ट्रूप ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है वो भी 2 पीस पे, नॉट 4 पीस, 4 पीस इतना कुछ काम नहीं आएगा। कॉन्स्टलेशंस की बात करें तो अगर कोई कॉन्स्टलेशन के लिए जा रहा है ना तो उसके पहले 2 कॉन्स्टलेशन तो बिल्कुल ही ब्रोकन है, एंड तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को ये कैरेक्टर बढ़िया लग रहा है मैं और कॉन्स्टलेशन निकालूंगा, तो पहले 3 कॉन्स्टलेशन बहुत ही अच्छे हैं अगर तुम्हें किनिच का पर्सनल डैमेज और इंक्रीज करना है। लिटरली तुम्हें 100% क्रिट डैमेज मिल रहा है पहले कॉन्स्टलेशन पे, दूसरे पे डेंड्रो श्रेड हो रहा है, मतलब तुम्हारे डीप वुड के साथ एक और 30% रेजिस्टेंस श्रेड करने के लिए आ गया तुम्हारे पास एक और ये कॉन्स्टलेशन के थ्रू। तो पहली 2 कॉन्स्टलेशन तो बहुत ही बढ़िया है। टैलेंट्स की हम बात कर ही चुके हैं, अब चलते हैं इसकी टीम्स के बारे में। डेफिनेटली बाय द वे अगर तुम ऐसे गेंशिन प्लेयर हो जो जापानीज में गेंशिन खेलता हो तो तुम्हें डेफिनेटली ये सुन के अच्छा लगेगा कि इसका जो वॉइस एक्टर है, आई मीन एक ही कैरेक्टर पे 2 वॉइस एक्टर्स है बाय द वे, क्योंकि कुहुल अहो भी इसी के कैरेक्टर के साथ ही अटैच्ड है। तो जो तुम्हारा किनिच का वॉइस एक्टर है वो सासके है, एंड कुहुल अहो जो तुम्हारा ड्रैगन है जो इसे बीच बीच में तंग करता रहता है आके, वो नरूटो का वॉइस एक्टर है जापानीज में बाय द वे। तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोग वॉइस एक्टर्स के लिए कैरेक्टर्स पुल करते हैं, काफ़ी कूल लगता है वो, नॉट गोना लाइक। अब चलते हैं इसकी टीम्स पे, तो सबसे पहले तो मैं ही यही बोलूँगा तुम बर्निंग वर्जन टीम्स ही यूज़ करो, एंड जो इसकी टीम्स है उसमें डेफिनेटली तुम या तो फुरीना की ये टीम रन कर सकते हो जिसमें अगर तुम चाहो तो तुम शैंगलिंग को डीप वुड मेमोरीज दे सकते हो अगर तुम फार्म कर पाओ तो, प्रोवाइडेड क्योंकि शैंगलिंग का पर्सनल डैमेज टैंक हो जाएगा डेफिनेटली। शैंगलिंग की रिप्लेसमेंट के लिए तुम टोमा यूज़ कर सकते हो या इवन डेया यूज़ कर सकते हो जो कि शैंगलिंग से ज़्यादा बेटर पायरो अप्लाई कर पाएंगे किनिच की टीम में। रीज़न क्या है कि शैंगलिंग कहीं बार पायरो अप्लाई करने में रह जाती है क्योंकि किनिच की रेंज काफ़ी ज़्यादा है स्किल की, तो तुम जब रोटेशन कर रहे होगे तो हो सकता है कि तुम मिस कर दो। फिर आती है तुम्हारे पास, तुम बाइजू रन कर सकते हो यही सेम टीम में, मेक श्योर ये तो बिल्कुल बर्निंग टीम हो गई है। अगर तुम्हें हाइड्रो एप्लीकेशन भी चाहिए तुम फुरीना ला सकते हो,
ऑल्सो शिंगचो और येलैन दोनों इसके स्किल के साथ वर्क करते हैं, तो तुम्हारा स्किल एप्लीकेशन होता रहता है। तो तुम जैसे ही किनिच अपना स्किल और नॉर्मल शॉट्स लूप शॉट्स मार रहा है, तो शिंगचो के और येलैन के जो बर्स्ट के वो रेन शॉट्स एंड वो सब डाइस होते हैं, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, तो वो दोनों कैरेक्टर्स भी इसके साथ वर्क करते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन काफ़ी खुले हुए हैं इस कैरेक्टर के साथ देखा जाए तो। एंड डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास अगर बाइजू नहीं है और तुम्हारी बर्निंग टीम है, क्योंकि बर्निंग टीम में सर्वाइवेबिलिटी भी चाहिए, तुम कई बार खुद बर्निंग से मर जाओगे तो वो ध्यान रखने वाली बात है, तो तुम एमिली यूज़ कर सकते हो। एमिली बहुत ही अच्छी है। अगर इसकी बेस्ट टीम देखा जाए तो एमिली, बेनेट, शांगलिंग और किनिच है। मेरे पास खुद एमिली नहीं है, बट ये स्टिल काफ़ी डिसेंट डैमेज देता है, तो इसको हल्के में मत लेना अगर तुम सही में इसे मेन मेन करना चाह रहे हो तो। फिर देखा जाए तो यही सारी टीम्स के ऑप्शन तुम्हारे पास रह जाते हैं। तुम पायरो एप्लीकेशन के लिए शैंगलिंग को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हो। बेनेट इसका बेस्ट फ्रेंड है डेफिनेटली, जब तक मोबिका नहीं आती और हमें इसका किट रिवील नहीं होता है, तो बेनेट डेफिनेटली इसका बहुत ही बढ़िया दोस्त है। रीज़न क्या है कि बेनेट अटैक बफ करता है और किनिच की सारी स्केलिंग बिल्कुल अटैक पे है, स्ट्रेट अप अटैक पे सारी स्केलिंग है, तो बेनेट बहुत ही अच्छा इन सिंक है इसके साथ एज यूजल कोई भी अटैक स्केलिंग कैरेक्टर के साथ। तुम इसे हाइपर ब्लूम और इन सब टीम्स में इतना बढ़िया तरीके से खेल नहीं पाओगे। रीज़न क्या है कि जब बर्निंग और बर्जन रिएक्शंस नहीं हो रहे होते हैं ना किनिच की टीम में, तो क्या होता है कि ये जो इसका 7 पॉइंट्स रिस्टोर करने वाला मैकेनिक है, तुम स्किल जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर पाओगे एंड तुम्हारा पर्सनल डैमेज बहुत टैंक हो सकता है। बस वही चीज़ है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाइपर ब्लूम टीम्स या जो भी तुम्हारी क्विक ब्लूम टीम्स हैं वो कंटेंट क्लियर कर पाती हैं विदाउट किनिच पर्सनल डैमेज, तो फिर तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट आइट स्टिल से कि इसे बर्निंग वर्जन में खेलना ही बेस्ट रहेगा, तो उसका ध्यान रखना। बाकी देखा जाए तो एक्सप्लोरेशन में किनिच बहुत ही बढ़िया है, नेटलैंड में तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगेगा एक्सप्लोरेशन करने में। अगर तुम्हें लग रहा था कि केंशिन की एक्सप्लोरेशन बहुत बोरिंग है, तो किनिच मेक्स डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन फन डेफिनेटली। जैसे स्कैरामूश एंड इवन काजुआ तुम्हें काफ़ी हेल्प करते हैं, तो किनिच बहुत ही सही है एक्सप्लोरेशन करते टाइम। तुम देख ही रहे हो 2 बार स्किल यूज़ कर पा रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर जाना ईजी हो गया है एंड डेफिनेटली फिर तुम्हें गेम खेलने में मज़ा आएगा, तो यार तुम डेफिनेटली कैरेक्टर फुल करोगे एंड और चीज़ें फार्म कर पाओगे, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर एबिस का शोकेस देखा जाए तो मैं तुम्हें एंड में जाके थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कितना अच्छा पर्सनल डैमेज करता है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा बाद में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।